हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वी लुकअप कैसे शीट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एच लुकअप शीट कैसे बनाते हैं। एच लुकअप वी लुकअप जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली जो होते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी एच लुकअप शीट। एच लुकअप शीट यहाँ पर रखा और सेंटर किया, इसको डिज़ाइन वगैरह एड कर दिया। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे नेम। नेम के सामने हम क्लिक कर यहाँ पर कुछ नेम्स टाइप कर देंगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नेम ये टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट नेम, मतलब कि इंग्लिश हो गया, फिर उर्दू हो गया, फिर उसके बाद मैथ हो गया, फिर उसके बाद टोटल रख दो। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स टाइप करेंगे, जैसे कि इंग्लिश के 55 आ गए, इसके 66 आ गए, इसके 67 आ गए। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर इसके नंबर ऐड करते जाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद इसके नंबर भी ऐड करेंगे ऐसे। हमने सबके नंबर ऐड करने हैं, फिर यहाँ पर क्लिक कर सम का फार्मूला लगा कर इंटर कर देना। इसके बाद यहाँ से इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सबका टोटल निकाल कर आपको दे देगा। उसके बाद हमें सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है ना। कैसे लिस्ट बनानी है कि भाई सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइप करना है नेम, फिर इसके बाद टाइप करना है इंग्लिश, फिर उसके बाद टाइप करना है उर्दू। अब ऐसे इंग्लिश टाइप किया, फिर उसके बाद उर्दू टाइप किया, उसके बाद यहाँ पर नेम की लिस्ट बनानी, जैसे वी लुकअप शीट में बनाई। डेटा में जाकर वैलिडेशन पर जाकर एनी वैल्यू से लिस्ट लेनी है। फिर यहाँ पर हमें रो वाइज डेटा होगा ना, मतलब कि रो वाइज यहाँ पर ये होता है वर्टिकल, ऐसे इसको हम सेलेक्ट कर ओके करेंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। एक नेम सेलेक्ट कर लेना, किसी भी एक नेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। एच लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद नेम लिस्ट जो बनाई थी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद टेबल एरिया आल सेलेक्ट, मतलब कि जो भी डेटा हमने टाइप किया जहाँ से जहाँ तक वो टेबल एरिया बनता है। फिर उसके बाद कॉमा, जैसे वी लुकअप में हमने बताया था कि टू, यहाँ पर रो वाइज टू, मतलब कि इंग्लिश जो है ना वो रो नंबर टू में आए। उसके बाद कॉमा लगा कर जीरो, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। इस फार्मूले के अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक कर यही चीज़ सेम यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर F4 का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इंटर करेंगे और यहाँ से इस फार्मूले को यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे इस डॉट से ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर यहाँ से 2 है तो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो ये नंबर इंग्लिश के यहाँ पर आ जाएंगे। देखो ये उर्दू आ रहा है और इंग्लिश आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज करूँगा तो नंबर चेंज होते जाएंगे। जो नेम ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर अदनान है 88 और 44, ये देखिएगा ये रहा अदनान 88 44 यार। अगर मैथ ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो फिर उन्होंने कभी ये साथ साथ हमें बताता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि एच लुकअप शीट भी आपको ये समझ आ गई होगी। डेली बेस पर हम ऐसे ही एक एक शीट पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आप भी प्रैक्टिस करते जाएं, देखते जाएं वीडियो को। ऐसे आसान तरीके से मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर समझाता रहता हूँ। जो भी समझना आए आप चैनल्स पर ही वीडियो के नीचे, उसी वीडियो के नीचे ही वो जो भी मसला आ रहा है उसे आप मुझे मैसेज कर पूछ सकते हैं। मैं देखूँगा जब भी रिप्लाई दे दूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।